एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत आने वाली सिग्रामपुर चौकी के सगोड़ी खुर्द गांव में रहने वाले प्रशांत तिवारी निशांत तिवारी के घर पर दीवार को तोड़ करके चोरों के द्वारा करीब 90,000 से 1,00,000 रुपये तक की सामग्री और नकदी की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था, लेकिन रात के वक्त जब लोग घर पर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि चोर चोरी करके वहां से भाग निकले। घर की एक दीवार पर छेद किया गया है, जिससे चोरों के द्वारा घर में प्रवेश किया गया। घर मालिक के मुताबिक 40 से 50,000 रुपये की नकदी सहित अन्य सामग्री सहित करीब 90,000 से 1,00,000 रुपये की चोरी को अंजाम चोरों के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में मकान मालिक के द्वारा जानकारी दी गई। रिपोर्ट के साथ एसीएन न्यूज़ के लिए निवेश जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्रकांत तिवारी, मेरे छोटे भाई प्रशांत तिवारी निशांत तिवारी यहाँ रात में दीवार खोद के चोरी की गई। मतलब 40 से 50,000 रुपये थे उसमें गोदरेज में। इसके बाद छोटा वाला भाई सत्यम तिवारी आ गया तो 3 बजे करीब, तो वो लोग भाग गए। मतलब दिखे नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि 3 बजे करीब भी भागे हैं वहाँ से। 1 से 3 बजे बीच की घटना है। अनुमान करीब 1,00,000 करीब चोरी गया है। यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज, जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। सरकार से हमारी, इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा है।